नमस्कार लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार में ठंड को लेकर मौसम विभाग ने एक नया अपडेट दिया है। जी हम आपको बता दें कि 14 जनवरी के बाद धीरे धीरे ठंड का असर जो है वो कम होने लगा था और अभी जो है वो फिर से कनकनी बढ़ने लगी है। जी हम आपको बता दें कि अभी भी लोग जो है वो स्वेटर पहन ही रहे हैं, और लेकिन इसी के साथ यह भी बता दें कि मौसम विभाग ने इस पर नया अपडेट दिया है और 7 फरवरी तक कहा है कि 7 फरवरी तक मौसम का हाल जो है वो अभी ऐसा ही रहेगा और कनकनी अभी और भी बढ़ सकती है। जी हम आपको बता दें कि इस तरीके से कहा गया है कि 7 फरवरी तक मौसम विभाग का पूर्वानुमान सामने आया है और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 3 से 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज किया जाएगा, यानी कि इन दिनों में ठंड बढ़ने के आसार हैं और इन दौरान कई जिलों में कोहरे का भी असर दिखेगा, जबकि कई जगहों पर मौसम जो है वो शुष्क बना रहेगा। फिलहाल इन दिनों राजधानी पटना सहित पूरे बिहार की बात करें तो फिर से मौसम जो है वो उसमें बदलाव देखा जा रहा है और पश्चिम से चलने वाली ठंड का जो हवा है उसका प्रभाव भी साफ तौर से दिख रहा है। देखिए 14 जनवरी के बाद जिस तरीके से धीरे धीरे ठंड जो है वो कम होने लगी थी, जहां शीतलहर चल रहे थे, और अभी जो है 14 जनवरी के बाद ठंड कम हुई, लेकिन अभी वापस से मौसम विभाग का पूर्वानुमान सामने आया है कि 7 फरवरी तक ये जो ठंड है वो अभी ऐसी ही स्थिति में बनी रहेगी और इससे अधिक और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसी के साथ यह भी बता दें कि तेज पछिया हवा के झोंक से भागलपुर जिले का तापमान जो है वो 5 डिग्री तक लुढ़क गया। वहीं पछुआ हवा के साथ आई नमी के कारण भी आसमान में धुंध का जो निर्माण है वो देखने को मिला और इसी के साथ बादलों में धूप जो है वो नहीं दिखी और दोपहर में धूप खिलने के बावजूद भी हवा में ठंडक रही और शाम के लोग जो है वो गर्म कपड़े पहन ही रहे हैं और अभी भी ठंड जो है वो खत्म नहीं हो रही है। वहीं कई अन्य जिलों की बात करें तो किशनगंज की बात करें तो वहां पर 7.5 डिग्री सेल्सियस के साथ किशनगंज सबसे कम ठंडा रहा। और वहीं बता दें कि मौसम विज्ञानी ने बताया है कि 5 दिनों के दौरान तापमान में कोई विशेष बदलाव का आसार नहीं है। अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश में उत्तरी भागों में मध्यम दर्जे के जो कोहरे हैं उसका असर रहेगा, और जबकि दूसरे जिलों की बात करें तो वहां पर मौसम जो है वो सामान्य तरीके से ही बना रहेगा। वहीं अभी भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में अभी मौसम सामान्य ही रहेगा और पश्चिमी हवा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की वहां पर संभावना है। कोहरे का हल्का जो है वो प्रभाव बना रहेगा और अभी तापमान जो है वो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की कमी जो है वो हो सकती है और भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा जो है वो ठंड बढ़ा रही है। और एक बार फिर शाम की बात करें तो कपकपाती हुई ठंड जो है वो उससे लोग परेशान रह रहे हैं। तो जहां ये देखा जा रहा था कि बिहार में मौसम जो है वो स्थिर हो गया था, ठंड से लोगों को राहत मिल रही थी, लेकिन अभी भी कनकनी वाली हवा जो है वो चल रही है जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। सुबह और शाम में लोग जो है वो स्वेटर पहन ही रहे हैं और दोपहर की बात करें तो दोपहर में भी अगर धूप निकल रही है तो हवा में उतनी ठंडक है कि उससे लोगों को निजात नहीं मिल पा रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज़। धन्यवाद।